हेलो दोस्तों, टैक्स पर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, एक बार फिर से आज सुबह की ताजा खबरें, मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए है। होली का मजा हमने देखा, ऑलरेडी हमारे मार्केट ने खराब कर रखा था और शेयर मार्केट इस तरह से गिरा कि होली का जो पूरा रंग था वो फीका पड़ गया। लेकिन इंडिया का ही नहीं, वॉल स्ट्रीट की भी यही हालात रहे। 2008 के बाद सबसे बड़ा लॉस US में भी हुआ है। तो ये कहने का केवल ये इंडिया का लॉस नहीं है, ग्लोबल ट्रेंड देखा जा रहा है कि मार्केट जो नीचे जा रही है उसमें जो सबसे बेसिक रीजन रहा है वो क्रूड ऑयल का रहा है। तो अब बात करते हैं पहले इंडिया की। इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नीचे रहा। निफ्टी अभी 10,426 पे चल रहा है, सेंसेक्स 35,601 पे। दोनों मार्केट अभी निगेटिव में है, निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। इंडियन ग्रोथ की अब बात करते हैं। इंडियन ग्रोथ में क्या हुआ है, अभी मूडी ने जो अभी पब्लिश किया है उनके अकॉर्डिंगली जो भारत का ग्रोथ रहेगा 5.3 रहेगा, उसका जो रीज़न बताते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबली डिमांड कम हुआ है, उसकी वजह से जो भारत का ग्रोथ है वो उन्होंने 0.1% से कम कर दिया है। साथ के साथ गोल्डमैन ने भी अभी अनाउंस किया है कि जो क्रूड प्राइस के ऑयल के जो प्राइस रहेंगे वो $20 तक आ सकते हैं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन है और उनका मानना है कि ये प्राइस कम हो सकते हैं। जो अभी तेल की लड़ाई चल रही है उसको लेके आपस में जो दुबई में जो भाइयों के बीच में चल रहा, उसकी वजह से प्राइस काफ़ी नीचे गया है। ग्लोबल अगर हम बात करें तो इंडिया में जो ग्लोबल फंड सेल है वो मंडे को 34.8 बिलियन इंडियन करेंसी में टोटल सेल रहा है स्टॉक मार्केट में। ये बहुत बड़ी बिकवाली हुई है जिसके कारण मार्केट को इस तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो देखा गया। वो उसका रीज़न भी यही रहा कि ग्लोबल फंड में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई। RBI ने अभी जल्दी RBI ने अनाउंस किया है कि वो येस बैंक रिवाइवल का जो रिवाइवल प्लान है वो कैबिनेट को बहुत जल्दी सबमिट कर सकता है और उससे अप्रूवल लेने की बात चल रही है। US भी बहुत ही परेशान है इस स्लो डाउन से। तो अभी ट्रंप जो हमारे की बहुत ही जानकार इकोनॉमिस्ट की तरह माने जाते हैं, जो वो क्लेम करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से मार्केट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अभी टैक्स कट और भी करने वाले हैं जो कि इकोनॉमी के लिए उनके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका मानना है कि टैक्स कट करके आप वेल्थ क्रिएट करा सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही और हम शाम को फिर से एक बार पूरे अपडेट के साथ जो फाइनेंशियल मार्केट के अपडेट होंगे उनके साथ हम आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल बटन ना भूलें। साथ के साथ हम ऑल OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, आप हम कहीं पे भी आके टैक्स फॉर वेल्थ देख सकते हैं। थैंक यू।